हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, नमक का दारोगा का अफसर और वन भ्रमण और इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। इस वीडियो में आपको इन चार लेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नमक का दारोगा में से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप लोगों को देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन आप एक भी छोड़ेंगे, एक भी मत छोड़िए, कौन सा टेली कर जाएगा आप लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन वन वर्ड आंसर जो होते हैं उसको पूरा ही कीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसके अलावा जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा उसमें बेसिकली ये जो पहला क्वेश्चन है, लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे। ठीक है, फिर दूसरा है किन गुणों के कारण मुंशी बंसीधर ने अफसरों को मोहित कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है कि नमक के दफ्तर से मील भर पूर्व कौन सी नदी बहती है। तो इसका एकदम शॉर्ट आंसर है, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, यमुना। आप लोगों को भी पता होगा आई नो। और इसके अलावा आप लोग इसमें करेंगे कि पंडित बंसीधर ने पंडित आलोपी दीन को हिरासत में क्यों लिया। ये 3 क्वेश्चन रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तीनों में से कोई एक तो कॉमन गिरने वाला है इस बार भी। सो ये 3 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को एक सजेशन भी देना चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों के ये सब चैप्टर्स हैं, गद्य खंड का जो भी चैप्टर्स है, उसे आप लोग प्लीज़ एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा होगा और वो एग्ज़ाम में आ गया तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर उसका बना के लिख सकोगे। ठीक है, तो लेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, लेशन के अंदर क्या है। इसके अलावा संक्षेप में उत्तर दीजिए, ये अच्छा, ये 1 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स के लिए है और ये आपका 3 मार्क्स में भी दे सकता है, 2 मार्क्स में भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको करना है पहला क्वेश्चन का नंबर, जब मुंशीधर वंशी सॉरी जब मुंशी वंशीधर रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिताजी ने क्या उपदेश दिया। इसके अलावा डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को अपने सारे जायदाद का अस्थाई मैनेजर क्यों बनाया। फिर पंडित आलोपी दीन मानवीय गुणों के पारखी थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और मुंशी वंशीधर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 इम्पॉर्टेंट आशय स्पष्ट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों ही करके जाइए, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली टेली करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोग करके जाइए आशय स्पष्ट में। और यहाँ पे देखिए कुछ मुहावरे दिए हुए, पो 12 होना, हाथ मलना, सिर माथे पर रखना, फूला न समाना, बात की बात, धूल में मिलना, ललो चपो करना, मुंह में कालिक लगना। ठीक है, तो इतना सारा नहीं, तो फिर भी आप लोग ये पो 12 होना, हाथ मलना, ठीक है, फूला ना समाना, धूल में मिलना, ठीक है, ललो चपो करना, ये जो चार पांच मुहावरे हैं इसे आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा इस चैप्टर का। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विलोम शब्द भी है, यहाँ पे जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं ये सारा ही आप लोग करके जाइए। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे इनका आंसर दिया ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अफसर। अफसर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूरा ही करना है, नो डाउट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसके अलावा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। पहला तो अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है, दूसरा अफसर क्या होता है, तीसरा अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है। ठीक है, और ये अगर ये क्वेश्चन आ गया कि चमन में बाहर बनकर कौन आता है, तो कौन आता है, अफसर आता है। ठीक है, इसके अलावा है संक्षिप्त उत्तर में, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जैसे कि अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है। ठीक है, अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं, अफसर लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इन सब में और कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, अफसर अपने आप को सफल कब मानता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग इस में से कर लेंगे। इसके बाद समायक उत्तर में देखिए,
सामयिक उत्तर में है, अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है, ठीक है। फिर अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वाले के सामने धर्म संकट क्यों रहता है। इसके अलावा पाठ के आधार पर अफसर की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आशय स्पष्ट, इसमें पहला वाला कीजिएगा। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को भी परेशान करता है। ये क्वेश्चन पहला। इसके अलावा इसमें का ये आप कर सकते हैं, अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, ठीक है। तो ये दो आशय स्पष्ट इस चैप्टर का कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भी मुहावरे हैं, बट यहाँ के मुहावरे से आप कुछ मुहावरे ले सकते हैं, जैसे कि मक्खन लगाना हो गया, खाट खड़ी होना, फिर हाँ ये दो लगा सकते हैं, दो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ से इस चैप्टर से। इसके अलावा हमारा है नेक्स्ट वन भ्रमण। यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला ही है, शॉर्ट क्वेश्चन सारा ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को करना है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए में क्या है, विद्यार्थियों के बीच किस बात की चर्चा हो रही थी, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। फिर ये मैं तो लड़का हूँ, यह काम तो लड़कियों का है, यह किसका कथन है, ये भी आ सकता है एक बार को, ठीक है। और बापी राम, हाँ ये वाला क्वेश्चन, बापी राम किस नाम से प्रसिद्ध है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग पूरा ही कीजिए, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन है, वन लाइन आंसर है ये, तो पूरा ही कर सकते हैं आप। बट बेसिकली ये तीन चार क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हैं वो करके जाइएगा। इसके अलावा आप लोग ये यांडाबू संधि तो करके जाइएगा, आ सकता है, सोशल का क्वेश्चन है बट हिंदी में भी दिया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन, प्रथम भारतीय एवं असमिया वन अधिकारी कौन थे, ठीक है। संक्षिप्त उत्तर में आप देखिए कि इसमें ये भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थियों को क्या-क्या निर्देश दिए गए, ठीक है। और ये कक्षा अध्यापकों के द्वारा वन भ्रमण पर जाने की घोषणा करने पर विद्यार्थियों में क्या प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा आप इसमें ये भ्रमण पर ले जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक सूची तैयार कीजिए। और इसके अलावा ये आप करेंगे, सेल्फ सर्विस का आशय क्या है, ठीक है। भ्रमण पर जाने से पहले माता पिता ने पंखुड़ी और पवन को क्या समझाया, और काजीरंगा को गेंडों का निवास स्थान क्यों कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग बुक जब भी वीडियो देखें तो बुक साथ में ही लेकर के रखिए, और वीडियोस को देखते देखते क्वेश्चन को टिक कर लिया कीजिए, ठीक है। आप लोगों का भी टाइम सेव होगा, बार बार वीडियो को प्ले नहीं करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है समयक उत्तर दीजिए। काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या क्या तैयारियाँ की, ठीक है। फिर पवन, सौरभ और आफताब किस प्रकार की मुसीबत में फंस गए थे, क्या वे मुसीबत से मुक्त हुए, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है एक बार को, वनों से हमें क्या क्या लाभ है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही इसे लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वन्य जीव मनुष्य के मित्र है, परंतु किन हालात में वे मनुष्य पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है यहाँ का, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ का सप्रसंग व्याख्या हमें ज़रूरत नहीं है करने की, बट फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो सिर्फ ये दो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ये दो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ भी सकता है इन दो में से। इसके अलावा इसमें तो समास विग्रह दिया हुआ है, समास विग्रह में देखिए जैसे कि ये है भाई बहन, लड़का लड़की, ठीक है, रसोई घर भी दिया, मैंने तो कल दिया ही था आप लोगों को, ये सब जो है ये सब आ सकता है, माता पिता, वन भ्रमण, ठीक है, हंसी मजाक, इस तरीके के। और यहाँ पे मुहावरे भी है कुछ, तो मुहावरे में यहाँ पे आप ये मुंह फुलाना, ठीक है, पानी फेरना, फिर कानों पर जू नहीं रेंगना, ये सब मुहावरे हैं जो करके जा सकते हैं आप लोग।
अब चलते हैं इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव पर। इसका शॉर्ट क्वेश्चंस तो आप लोग करेंगे ही, बट इसका पूर्ण वाक्य में जो है ये आप पूरा ही करेंगे, ठीक है? इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये पूरा ही करेंगे आप लोग। इसके अलावा संक्षिप्त उत्तर में आप करेंगे, निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली? निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ? इसके अलावा निहारिका ने कंप्यूटर में किन 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 सुविधाओं का उपयोग किया? ठीक है, ये क्वेश्चन। और अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया? ये भी एक क्वेश्चन। फिर आशय स्पष्ट में यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया है, ठीक है? ये वाला आशय स्पष्ट। और ये भी पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना। पढ़ने को क्या है, पढ़ने को आप लोग सब ही कुछ पढ़ लो एक बार, बट याद कुछ कुछ लास्ट मोमेंट पे, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा का पूरा बुक ही याद कर लो। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो मैं दे रही हूँ उसे याद करके जाना, ठीक है? और ये सप्रसंग व्याख्या में मैंने बेसिकली यहाँ पे तो क्रॉस लगाया था, बट ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। दिन व दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह शबाना दीदी के पास गई, ठीक है? तो ये वाला एक बार आप पढ़ लेंगे। समयक उत्तर में आप देखिए, कंप्यूटर घर में आने के दिन से लेकर शबाना दीदी के पास जाकर पश्चाताप करने के दिन तक निहारिका के कंप्यूटर के अनुभव के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है? और कंप्यूटर के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के उपयोग की एक तालिका बनाइए, ये भी क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ अपने शब्दों में लिखिए। कंप्यूटर ये नहीं चाहिए, ये वाला एक कर लीजिएगा और ये दो क्वेश्चन ऊपर का कर लीजिएगा। कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, सोच समझ कर एक लेख प्रस्तुत कीजिए, ठीक है? ये पहला क ख और अंग नंबर, ये ग नंबर और घ नंबर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ये देखिए समोच्चारित शब्द है, मैं इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी कुछ देर में, सो ये भी कर लीजिएगा। और ये जो पर्यायवाची दिया हुआ है ये भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।